नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज गणतंत्र दिवस पर हमेशा की तरह राजपथ पर रंगारंग परेड निकली। राष्ट्रपति ने सलामी ली, एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गईं। देश भर के कई रंग यहां दिखे। राजपथ पर झंडा फहराते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इसके बाद वायुसेना के चार हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाकर गणतंत्र दिवस परेड का आगाज किया। इस बार मुख्य अतिथि रहे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचो। राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति की झलक के बाद राज्यों की रंग बिरंगी झांकियों ने लोगों को लुभाया। यूपी ने मथुरा की होली के रंग दिखाए, तो केरल का हाउसबोट भी कम शानदार नहीं था। जम्मू कश्मीर ने सर्दी में पश्मीना शॉल का एहसास कराया। बिहार में सिक्की घास से होने वाली कलाकारी के नजारे दिखाए। राजधानी में हो रही इस परेड से खुद दिल्ली भला कैसे चूकती। लोक निर्माण विभाग ने फूलों के जरिए बदलते मौसम से मिलवाया। नवीनतम उपलब्धि डबल डेकर ट्रेन प्रदर्शित करती हुई, तो रेल मंत्रालय ने राजपथ पर डबल डेकर ट्रेन उतार दी। वातानुकूलित प्रदूषण रहित डबल डेकर ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। तुम्हारा साथ सच और सोच के फर्क को मिटाता चला गया, पता ही नहीं चला और अपना साथ 100 साल का हो गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए तो ये बेहद खास मौका रहा। हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर मदर इंडिया से लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक की झलक मिली। अन्य बच्चे हैं। फिर वीरता पुरस्कार से सम्मानित बहादुर बच्चे भी आए, जिनके कारनामे आगे भी याद रखे जाएंगे। लेकिन मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते ये जांबाज भी कुछ कम नहीं। जब तक रहे, लोगों की नजरें बस इनसे ही चिपकी रही। यही तो है भारत की रंग बिरंगी तस्वीर। और राजपथ पर नजर आया भारत की शानदार सांस्कृतिक परंपरा और मजबूत लोकतंत्र, साथ में दिखा अनेकता में एकता। नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि और कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इंडियाज नंबर वन न्यूज ऐप जस्ट गॉट इवन बेटर। डाउनलोड एनडीटीवी न्यू ऐप, फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड फॉर रेटिना डिस्प्ले, फुल स्क्रीन व्यू, faster response time and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.